कोर्टरूम ड्रामास दो तरह के होते हैं, एक जिसमें हमें क्लियर होता है कि सही का पक्ष कौन सा है और गलत कौन, लाइक OMG 2 या फिर बंदा। दूसरी जहां आप ये तय नहीं कर पाते कि कौन सही है और कौन गलत। शास्त्री विरुद्ध शास्त्री एक ऐसी ही कोर्टरूम ड्रामा है जो मुझे लगता है कि आज के समय के हर वर्किंग पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन की जिम्मेदारी संभालने वाले ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी पूरी तरह से रिलेटेबल है। परेश रावल, व्हाट अ क्लास एक्ट। स्पेशली जब विरोधी वकील उनसे उनके मरे हुए बेटे के बारे में पूछती है, तब एक तरह की असहजता, गिल्ट और पीड़ा सब कुछ एक साथ अपने चेहरे पर उडेल देते हैं। ये शिव पंडित ने भी अपने किरदार को भरपूर जिया है, खासकर उस दृश्य में जब उनके पिता की असहजता से वो खुद भी बेचैन से हो जाते हैं। नीना कुलकर्णी, मिमी चक्रवर्ती, मनोज जोशी सहित सभी का काम बहुत अच्छा है इस फिल्म के अंदर। स्पेशली नन्हे कबीर पावा इतने एडोरेबल है कि उन पर से आपकी नजर हटती ही नहीं। लेकिन सही मायनों में इस फिल्म में जो फायर है वो क्रिएट करती है अमृता सुभाष। ओ माई गॉड, शी इज सो गुड इन हर कोर्टरूम सीन्स। मजा आ जाता है उनको देखकर। फिल्म में काव्यात्मकता है, फिल्म में कलात्मकता है, संगीत भी है, विशेषकर क्लासिकल पीसेस बहुत ही कमाल के हैं। पक्ष विपक्ष के सभी तर्क लॉजिकल और ग्राउंडेड हैं। बस उसे कंक्लूजन तक पहुंचाते पहुंचाते निर्देशक जोड़ी नंदिता रॉय और शिवो प्रसाद मुखर्जी खुद थोड़े उलझ से गए। बहरहाल आई स्टार्टेड वॉचिंग इट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन और मुझे ये फिल्म काफी पसंद आई, सो आई विल स्ट्रॉन्गली रिकमेंड दिस विद फिल्म की बात की रेटिंग ऑफ 3.5 स्टार।